हेलो दोस्तों, वेलकम टू मैराथन जी के जिस मैं चंदन कुमार एक बार फिर से आप लोगों के समक्ष केमिस्ट्री की एक बहुत ही बेहतरीन चैप्टर के साथ। जी हाँ दोस्तों, आज हम लोग पढ़ने वाले हैं केमिस्ट्री में अम्ल, भस्म और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट की टॉपिक को। यह टॉपिक दोस्तों इतना महत्वपूर्ण है जिससे कोई भी एग्जाम में प्रश्न ना पूछे ऐसा हो ही नहीं सकता है। चाहे आप यूपीएससी का एग्जाम दे रहे हो, पीएससी का दे रहे हो, एसएससी का दे रहे हो, रेलवे का दे रहे हो, एसआई का दे रहे हो, या कोई भी एग्जामिनेशन दे रहे हो, ऑल कॉम्पिटेटिव एग्जामिनेशन, ये चैप्टर बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो इस वीडियो को पूरा अंत तक देखिएगा और एक एक प्रश्न से वाकिफ हो जाइए, रूबरू हो जाइए। दोस्तों अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन जरूर दबा लीजिएगा, क्योंकि पहले जैसे ही वीडियो हम डालेंगे आप तक नोटिफिकेशन सबसे पहले पहुंचता है। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं आज की क्लास। अम्ल, भस्म और लवण, एसिड, बेस एंड साल्ट, बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक। दोस्तों अगर इस चैप्टर की हम बात करें, एसिड, बेस एंड साल्ट क्या होता है, तो दोस्तों किसी भी पदार्थ का, नेचर में जितने भी पदार्थ हैं जिसका हम उपयोग करते हैं या ना भी करते हो, हर पदार्थ की कुछ ना कुछ प्रकृति होती है, कोई ना कोई नेचर होता है। जैसे इंसान की नेचर होता है ना, कोई बहुत अच्छा होता है, कोई बहुत खरूश होता है, तो उसी तरह से हर पदार्थ का कुछ ना कुछ नेचर होता है। या तो वह पदार्थ अम्लीय होता है, या फिर वो भस्मीय होता है जिसको आप क्षारीय बोलते हो, या फिर वो लवणीय होता है, सॉल्टी होता है। बस यही तीन नेचर है पूरी दुनिया के पदार्थों का, ठीक है, या फिर वो न्यूट्रल होता है, उसमें कोई नेचर ही नहीं होते हैं। तो चलिए दोस्तों इन्हीं नेचर को हम लोग विस्तार से अपने इस क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे एसिड के बारे में, यानी लवण के बारे में, सॉरी एसिड के बारे में सबसे पहले बात करेंगे। अम्ल के बारे में ये होता क्या है, सबसे पहले दोस्तों छोटी सी एक डिफिनेशन देख लो कि अम्ल वह यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन प्रतिस्थापत्य के रूप में उपस्थित रहता है। दोस्तों ये प्रतिस्थापत्य वर्ड का मतलब क्या होता है कि हाइड्रोजन जो है वो रिप्लेसेबल होते रहता है ना, हटते रहता है, हाइड्रोजन मुक्त होते रहता है, इसी को हम प्रतिस्थापत्य बोलते हैं, ठीक है। तो वैसे अम्ल को हम क्या बोलते हैं, एसिड बोलते हैं, ठीक है। एसिड दोस्तों इसके बारे में बहुत सारे साइंटिस्टों का अलग अलग थ्योरी आया है, अलग अलग सिद्धांत है, जिसको हम लोग एक एक करके अपने इस क्लास में देखने वाले हैं। सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करते हैं अर्हेनियस के थ्योरी की। अर्हेनियस का जो आयनिक सिद्धांत था दोस्तों, इसके अनुसार इन्होंने एक स्टेटमेंट दी थी कि अम्ल वह पदार्थ है जो जल में घोलकर हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है, हाइड्रोजन आयन देता है, उसको हम लोग H प्लस से डिनोट करते हैं, H और इसके ऊपर माथे पर प्लस करना, ठीक है, H प्लस से हम इसको डिनोट करते हैं। तो ये बात आर्हेनियस ने बताई थी। यह प्रश्न एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है कि किस वैज्ञानिक ने बताया कि अम्ल पानी में घुलने के बाद हाइड्रोजन आयन मुक्त करता है, तो आंसर होता है आर्हेनियस के अनुसार। दोस्तों अगर हम आर्हेनियस के आयनिक सिद्धांत के कुछ उदाहरणों को देखें तो एग्जाम्पल्स में, जैसे मैं आपको बता दूं, जैसे ये पहला उदाहरण आपको दिख रहा होगा, HCl के साथ अगर हम जल का रिएक्ट करवाते हैं, उसके साथ जल को रिएक्ट करवाते हैं, तो हाइड्रोजन आयन जो है ये मुक्त हो रहा है, ठीक है। वहीं अगर H2SO4 के साथ अगर हम जल को हम मिक्स करवाते हैं, तो यहाँ फिर से जो हाइड्रोजन आयन है वो मुक्त हो रहा है, ठीक है। HONO3 के साथ अगर जल रिएक्ट करता है तो फिर भी हाइड्रोजन आयन है, और CH3COOH के साथ अगर जल रिएक्ट करता है तो भी हाइड्रोजन जो है वो आयन मुक्त होता है। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कोई भी एसिड अगर जल के साथ अभिक्रिया करता है तो हाइड्रोजन आयन देता है, ठीक है, H प्लस देता है। तो ये आप अच्छे से याद रखना। और ये बात किसने बताई थी दोस्तों, तो ये बताई थी आर्हेनियस ने। चलते हैं दोस्तों दूसरे साइंटिस्ट की ओर, उन्होंने क्या बताया अम्ल के बारे में। तो दूसरे साइंटिस्ट है दोस्तों ब्रॉनस्टेन एंड लॉरी, इन्होंने अम्ल के बारे में एक स्टेटमेंट दिया कि अम्ल वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ को प्रोटोन देने की क्षमता रखता है, यानी यह अपने में से प्रोटोन को किसी दूसरे पदार्थ को देने की कैपेसिटी रखता है, उसे हम अम्ल यानी एसिड कहते हैं, ठीक है। और तीसरे जो साइंटिस्ट हैं लेविस, इन्होंने एक इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत दिया और इन्होंने कहा कि अम्ल वह यौगिक है जिनमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी स्वीकार करने की प्रवृत्ति होती है, मतलब ये किसी भी एलिमेंट से एक लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो होता है उसको ये एक्सेप्ट करने की प्रवृत्ति, इसका नेचर होता है, इसे हम क्या बोलते हैं दोस्तों, अम्ल बोलते हैं, एसिड बोलते हैं। तो इस तरह से तीन साइंटिस्टों के दिए गए स्टेटमेंट को आप अच्छे से याद रखना, आर्हेनियस, ब्रॉनस्टेन एंड लॉरी एंड लेविस, ठीक है। अब चलते हैं दोस्तों जो एसिड है ये कितने प्रकार के होते हैं, टाइप ऑफ एसिड दोस्तों अगर हम देखें तो एसिड को कई तरह से बांटा गया है, जिसमें हम लोग जो महत्वपूर्ण है उसे हम देखने वाले हैं। तो टाइप ऑफ एसिड में अम्ल के प्रकार की अगर हम बात करें, अम्ल के प्रकार की, तो अम्ल के प्रकार दोस्तों होते हैं
दो प्रकार होते हैं अम्ल के। एक होता है दोस्तों ऑक्सी अम्ल, जिसको ऑक्सी एसिड बोलते हैं, और एक होता है दोस्तों हाइड्रा अम्ल, जिसको हाइड्रा एसिड बोलते हैं। दोस्तों ऑक्सी अम्ल किसे कहते हैं? तो जिन अम्लों में हाइड्रोजन एवं ऑक्सीजन दोनों उपस्थित रहते हैं उसे हम ऑक्सी अम्ल बोलते हैं, ठीक है। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड है H2SO4, नाइट्रिक एसिड है HNO3, फॉस्फोरिक एसिड है H3PO4, नाइट्रस एसिड है HNO2। तो ये सारे में जो है दोस्तों ये हाइड्रोजन और ऑक्सीजन दोनों मौजूद है, इसलिए हम इसे ऑक्सी एसिड बोलेंगे, ठीक है। वहीं दूसरी ओर अगर हम देखें कि हाइड्रा एसिड क्या होता है, तो जिन अम्लों में केवल हाइड्रोजन उपस्थित रहते हैं उन्हें हाइड्रा एसिड के नाम से जाना जाता है, ठीक है। जैसे हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl हो गया, जैसे हाइड्रोब्रोमिक अम्ल HBr हो गया, हाइड्रोआयोडिक अम्ल HI हो गया, या हाइड्रोसाइनिक अम्ल HCN हो गया। तो इस तरह के एलिमेंट को, इस तरह के एसिड को हम क्या बोलते हैं दोस्तों? हाइड्रा एसिड बोलते हैं। दोस्तों अब चलते हैं कुछ और पॉइंट को हम लोग देखते हैं जो आपके एग्जामिनेशन में पूछेगा। अगला देखते हैं दोस्तों, एसिड को स्ट्रॉन्ग और वीक के कैटेगरी में भी डिवाइड किया गया है। तो जो एसिड पानी में पूरी तरह टूट जाए या घुल जाए, कंप्लीटली आयोनाइज्ड इन वाटर, वैसे एसिड को हम बोलेंगे दोस्तों स्ट्रॉन्ग एसिड, जिसमें HCl, HNO3, H2SO4 ये सारे एसिड आपके आते हैं स्ट्रॉन्ग एसिड के कैटेगरी में। वही अगर हम बात करें वीक एसिड की, तो जो पानी में अंशतः घुलते हों, यानी जो पार्शियली आयोनाइज्ड इन वाटर हो, उन्हें हम बोलते हैं वीक एसिड, जिसमें CH3COOH आ जाता है, H2CO3 आता है, HCOOH आता है, तो इसे हम बोलते हैं वीक एसिड, ठीक है। चलिए दोस्तों इस पॉइंट को VVI बना लो। जो अम्ल होते हैं उसका पीएच मान 7 से कम होता है, VVI बना लीजिए, क्योंकि ये पॉइंट एग्जामिनेशन में बहुत बार पूछा गया है कि अम्लों का पीएच मान कितना होता है, ठीक है। तो याद रखना है अम्ल का पीएच मान 7 से कम होता है। दोस्तों अगर पीएच वैल्यू की बात करें तो पीएच का फुल फॉर्म होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन। क्या होता है दोस्तों? पावर ऑफ हाइड्रोजन होता है। अगर हम इसकी बात करें पावर ऑफ हाइड्रोजन यानी पीएच वैल्यू की खोज किसने की थी, तो याद रखना है सोरेनसन नामक वैज्ञानिक ने, सोरेनसन ने क्या किया था? पीएच मान की खोज की थी। और जो पीएच वैल्यू होता है दोस्तों ये यूनिट लेस होता है, इसका कोई यूनिट नहीं होता, ठीक है। और इसकी जो स्केल है वो 0 से 14 के बीच में होता है, और 7 से नीचे अगर आप आते हो तो वो एसिडिक नेचर का सॉल्यूशन यानी विलयन होगा, 7 से ऊपर जाते हो तो वो बेसिक नेचर का होगा, और 7 के बीच में आते हो तो वो क्या होता है दोस्तों? वो न्यूट्रल होता है यानी उदासीन विलयन होता है, ठीक है। तो इस तरह से पीएच जो वैल्यू है उसके बारे में इतने फैक्ट आप अच्छे से ध्यान में रख लीजिएगा। चलते हैं दोस्तों आगे देखते हैं। एक और साइंटिस्ट है जिनका नाम था रॉबर्ट ब्राउल। रॉबर्ट बॉयल के अनुसार एसिड के बारे में बोला इन्होंने कि एसिड का जो स्वाद होता है वो खट्टा होता है, ठीक है, और यह नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। यह प्रश्न भी एग्जामिनेशन में बहुत बार आया हुआ है, नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है कौन? तो आंसर याद रखना है एसिड जो है वो नीले लिटमस पेपर को लाल कर देता है। इसको याद रखने का एक बहुत ही बेसिक सा तरीका है दोस्तों, एसिड क्या कर देता है? नीले यानी ब्लू को क्या में बदल देता है? ये रेड कर देता है। और जो बेस होता है दोस्तों, बेस क्या करता है? तो रेड को ब्लू कर देता है। अब यहां पर कंफ्यूजन ये होता है कि जब रेड और ब्लू पूछता है तो वहां ऑप्शन दोनों मिलेंगे, एसिड भी मिलता है और बेस भी मिलता है। तो इसके लिए एक छोटा सा ट्रिक हमने डेवलप किया है, आप याद रखना कि जैसे एसिड है तो एसिड ब्लू को रेड में बदलता है, तो ए के बाद आता है दोस्तों बी, याद रखना। क्या याद रखना है? ए के बाद आता है बी। अच्छा, अगर बेस देगा तो कभी बी के बाद बी आएगा क्या? नहीं आएगा ना। तो बेस जो है वो ब्लू को रेड नहीं करता, ठीक है, ए के बाद ही बी आता है, याद रखना, ठीक है। तो ये अगर कॉम्बिनेशन याद हो गया आपको तो ये वाला कॉम्बिनेशन भी आपको ध्यान में आ जाएगा। तो एसिड जो है वो क्या करता है? नीले लिटमस पेपर को, ब्लू लिटमस पेपर को लाल कर देता है, ये ध्यान में रखेंगे, ठीक है। चलते हैं अगले पॉइंट की ओर। और अगला पॉइंट दोस्तों अम्लों के उपयोग। कुछ अम्ल हमारे यहाँ है, कुछ एसिड है जिसके यूजेस आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। तो सबसे पहले देखो खाने के काम में हम किन किन अम्ल का प्रयोग करते हैं। तो सबसे पहले लैक्टिक एसिड। लैक्टिक एसिड जो है दोस्तों ये खट्टा दही में पाया जाता है, खट्टा दूध में पाया जाता है, जिसको हम लैक्टिक एसिड बोलते हैं। एक यूनिवर्सल ट्रूथ मैं आपको बता दूं, दही दूध से संबंधित कोई भी प्रश्न पूछे तो उसका जवाब लैक्टिक लगा हुआ वर्ड ही होगा, ठीक है। जैसे दूध की शुद्धता की माप किससे की जाती है? तो आपको पता होगा लैक्टो मीटर से दूध की शुद्धता की माप की जाती है, ठीक है। और यहां पर खट्टा दही में कौन सा अम्ल पाया जाता है? तो लैक्टिक एसिड। चलिए दूसरा देख लेते हैं, मैलिक एसिड। मैलिक एसिड दोस्तों सेब में पाया जाता है, याद रखना है, एप्पल में पाया जाता है। एसिटिक एसिड। एसिटिक एसिड दोस्तों सिरका में पाया जाता है, जिसको इंग्लिश में हम विनेगर बोलते हैं। आमतौर पर ये आपके किचन में
जरूर देखने को मिल जाएगा, ठीक है। कार्बोनिक एसिड दोस्तों, जितने हम लोग सोडा वाटर या अन्य जो पेय पदार्थ हम पीते हैं, जैसे ठंडा वगैरह कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह पीते हैं, उन सबों में कार्बोनिक अम्ल होता है, याद रखना है। साइट्रिक अम्ल दोस्तों नींबू और नारंगी में होता है, और नींबू और नारंगी को हम साइट्रस फ्रूट भी बोलते हैं। यह प्रश्न भी कई बार आया हुआ है एग्जामिनेशन में कि निम्नलिखित में से कौन सा साइट्रस फ्रूट है, तो याद रखना जिसमें साइट्रिक एसिड होगा उसी को हम साइट्रस फ्रूट बोलते हैं, ठीक है। टार्ट्रिक अम्ल दोस्तों अंगूर में भी पाया जाता है और इमली में भी पाया जाता है, याद रखना, ठीक है। इमली में कौन सा एसिड पाया जाता है, तो टार्ट्रिक एसिड पाया जाता है। चलिए, खाना पचाने में हम लोगों को कौन सा एसिड हेल्प करता है, तो HCl जो है वो हेल्प करता है दोस्तों, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। यह प्रश्न एग्जामिनेशन में कई बार आया हुआ है कि हमारा शरीर कौन सा एसिड स्रावित करता है, तो आंसर याद रखना है HCl को वो निकालता है हमारे बॉडी से। अच्छा, नोट में चीज याद रखना कि हमारे अमाशय माने होता है पेट, पेट में HCl का श्रावण होता है वो होता है, यानी पेट से HCl जो है हमारे बॉडी में वो प्रोड्यूस होता है, तो याद रखना हमारे बॉडी में HCl का फॉर्मेशन होता है। आगे देखिए दोस्तों अगला यूज, तो सोने और चांदी के शुद्धिकरण में अगर हम बात करें दोस्तों, तो नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, HNO3 का फॉर्मूला होता है, ठीक है। और वहीं अगर हम बात करें लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने से पहले लोहे को साफ किया जाता है, और साफ करने के लिए जिस एसिड का प्रयोग उसका नाम है सल्फ्यूरिक एसिड और नाइट्रिक एसिड, इन दोनों का प्रयोग हम लोहे को साफ करने में करते हैं, ठीक है। अच्छा, नोट में एक ध्यान रखना एक लाइन कि लोहे पर जस्ते की परत चढ़ाने की जो प्रक्रिया होती है उसे जस्तीकरण यानी ग्लेबनाइजेशन के नाम से हम लोग जानते हैं, ठीक है। जस्तीकरण याद रखना है आपको, जिंक की परत चढ़ाने के प्रोसेस को बोलते हैं। अच्छा, कपड़ों से जंग के धब्बे हटाने के लिए हम लोग ऑक्जेलिक एसिड का उपयोग करते हैं। कभी कभी होता है ना कि हम शर्ट वगैरह उतारते हैं और कांटी में लगा देते हैं, उस कांटी का जो दाग होता है जंग का वो शर्ट में लग जाता है, अगर उसको छुड़ाना हो तो उसमें जिस एसिड का हम इस्तेमाल करते हैं वो ऑक्जेलिक एसिड होता है, ठीक है। कार की बैटरी में, इसको तो VVA बना लो दोस्तों, रट लो, दिमाग में सेट कर लो कि कार की बैटरी, ऐसे बैटरी कोई सा भी हो सकता है लेकिन एग्जामिनेशन में अक्सर रहा कार की बैटरी करके एग्जाम पूछता है, ठीक है। तो कार की बैटरी में सल्फ्यूरिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, किसका प्रयोग किया जाता है दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड H2SO4, याद रखना है इसका प्रयोग। अच्छा, सल्फ्यूरिक एसिड को अम्लों का राजा भी कहा जाता है, याद रखना है, किंग ऑफ एसिड भी H2SO4 को कहा जाता है। चलिए दोस्तों आगे देख लेते हैं नाइट्रिक एसिड। अगर हम नाइट्रिक एसिड की बात करें दोस्तों, तो इसका उपयोग धातु के ऊपर खुदाई करने में, रंग बनाने में, खाद उर्वरक बनाने में जिसको फर्टिलाइजर बोलते हो, विस्फोटक जिसको एक्सप्लोसिव बोलते हो, दवाई बनाने में, यानी इन सब उद्योग धंधों में नाइट्रिक एसिड का बहुत यूज होता है, ठीक है, तो ये याद रखना है। अच्छा, कुछ नोट्स में मैंने पॉइंट डाले हैं जो आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं, जैसे लाल चींटी के डंक में कौन सा एसिड होता है, तो मेथनोइक अम्ल बोलते हैं उसे, या उसे आप फॉर्मिक एसिड बोलते हैं, इसी का नाम क्या है दोस्तों, फॉर्मिक एसिड भी कभी कभी आपके एग्जाम में पूछ देता है, तो अगर फॉर्मिक एसिड दिया तो ठीक है, नहीं तो मेथनोइक एसिड जरूर ऑप्शन में रहता है। वसा, फैट में कौन सा एसिड होता है, तो एस्टेरिक एसिड जो होता है वो फैट में होता है। अच्छा, आई वॉश करने वाले जो ड्रॉप बनाए जाते हैं, जो लिक्विड बनाया जाता है, उसमें उसके कॉन्स्टिट्यूएंट यानी उसके कारक के रूप में उसमें बोरिक एसिड मिलाया जाता है। आई वॉश वाले में क्या मिलाया जाता है दोस्तों, बोरिक एसिड। अगर हम यूरिन ऑफ मैमल्स को देखें, ठीक है, यूरिन की बात करें, तो हमारे यूरिन में यूरिक एसिड जो है वो प्रेजेंट होता है, और विटामिन सी जो है ये एस्कॉर्बिक एसिड होता है, ये आपको पता होना चाहिए। अगर हम विटामिन सी के रासायनिक नाम को देखें तो एस्कॉर्बिक एसिड उसका केमिकल नाम होता है। अच्छा दोस्तों, विटामिन सी सबसे ज्यादा किस में पाया जाता है, इसका कमेंट आप जरूर करें, कमेंट में आंसर जरूर दे, विटामिन सी का मैक्सिमम स्रोत क्या है। अब दोस्तों जो एग्जाम में प्रश्न पूछता है उस टॉपिक को देखो, इंडिकेटर प्रॉपर्टीज ऑफ एन एसिड, एसिड को कैसे हम पहचानेंगे, एसिड पहचानने के लिए लोग तीन तरह के इंडिकेटर का प्रयोग मुख्य रूप से करते हैं, ठीक है। इन तीनों इंडिकेटर को आप अच्छे से ध्यान में रखना, क्योंकि यह प्रश्न एग्जाम में अक्सर हाँ देखने को मिलेगा आपको। तो चलिए देखते हैं कौन कौन से वो इंडिकेटर है, इंडिकेटर प्रॉपर्टीज की बात करें अगर हम, तो दोस्तों इंडिकेटर प्रॉपर्टीज में इंडिकेटर्स देखो क्या क्या यूज होता है, और इसमें कलर के बदलाव से हम पता करते हैं कि ये एसिड है या नहीं है। सबसे पहले जो कॉमन एक इंडिकेटर यूज किया जाता है वो है लिटमस पेपर, ठीक है। तो लिटमस पेपर जो इंडिकेटर है, इसमें ब्लू लिटमस पेपर अगर हम रखते हैं तो ये ब्लू को जो एसिड है वो क्या कर देता है दोस्तों, लाल कर देता है, टर्न रेड, यानी ब्लू लिटमस पेपर लाल जब हो जाए तो समझ लेना कि वो एसिड है। एक और इंडिकेटर यूज किया जाता है दोस्तों, मिथाइल ऑरेंज जो है, इस पर अगर आप एसिड डालते हो तो ये ऑरेंज से पिंक हो जाता है, क्या हो जाता है दोस्तों, पिंक हो जाता है, यानी गुलाबी हो जाता है।
पर पिंक हो जाता है, ठीक है। तो ये याद रखना है आपको कि ऑरेंज फ्रॉम टू पिंक किससे, और मिथाइल ऑरेंज से। और जो तीसरा इंडिकेटर है दोस्तों, ये है आपका फिनोफ्थलीन। फिनोफ्थलीन दोस्तों ये कलरलेस रहता है और इस पर एसिड का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, ये कलरलेस का कलरलेस ही रह जाता है। तो ये तीनों फैक्ट आपको याद हो जाना चाहिए। अब दोस्तों इन इंडिकेटर के बारे में जो कुछ प्रश्न आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं उस पर जाते हैं अगर हम, तो सबसे ज्यादा क्वेश्चन आपके लिटमस पेपर से पूछा जाता है, ठीक है। लिटमस पेपर क्या होता है दोस्तों? लिटमस पेपर जो होता है ये बेसिकली एक प्लांट है, ठीक है, जो थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है। थैलोफाइटा जब आप बायोलॉजी पढ़ोगे तो वहां पर थैलोफाइटा ग्रुप के प्लांट्स के बारे में आपको पढ़ना है। तो मिथा जो लिटमस है ये बेसिकली इज अ प्लांट है जो थैलोफाइटा ग्रुप से बिलोंग करता है और एंड अ केमिकल एक्सपेरिमेंट इट इज कॉमनली यूज एज अ इंडिकेटर, और खास तौर पर हम इसे इंडिकेटर के रूप में इस्तेमाल करते हैं। दोस्तों एक चीज और याद रखना, थैलोफाइटा ग्रुप में भी आखिर लिटमस हम किससे निकालते हैं? तो लाइकेन से। याद रखना, लाइकेन नाम का एक पेड़ होता है जिससे हम लोग लिटमस को निकालते हैं, लाइकेन। याद रखना, क्वेश्चन एग्जाम में पूछ देता है कि लिटमस पेपर किससे निकलता है, तो लाइकेन से निकलता है, ठीक है। किससे निकलता है दोस्तों? तो लाइकेन से निकलता है, याद रखना इसको, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं दोस्तों, लिटमस का जो ओरिजिनल कलर होता है वो पर्पल कलर होता है, याद रखना। अगर आपसे पूछ दिया जाए कि लिटमस पेपर का जो नेचुरल कलर है वो कैसा होता है, पर्पल होता है। बट द कंडीशन इज व्हेन इट इज नाइदर एसिडिक और बेसिक, ये ना तो नाइदर होता है ना तो बेसिक होता है ना एसिडिक होता है, ये न्यूट्रल होता है, ठीक है। जैसे ही आप एसिड वगैरह और ये जो है क्षार का प्रयोग करते हो तो इसका कलर बदलते रहता है, जिससे हम पता कर लेते हैं कि एसिड है कि बेस है। दोस्तों ये एक नेचुरल इंडिकेटर है, ये प्राकृतिक है, इसे इंसान नहीं बनाता है, नेचुरली होता है। दूसरा जो आपने पढ़ा था मिथाइल ऑरेंज, दोस्तों इसका प्रयोग नेचुरल कलर के जो है मिथाइल ऑरेंज, दोस्तों आपने पढ़ा था इसका नेचुरल कलर दोस्तों होता है नारंगी, ये नारंगी रंग का होता है और यह एक कृत्रिम इंडिकेटर है, मतलब ये एक आर्टिफिशियल इंडिकेटर है जिसका प्रयोग लोग बेस और एसिड के परीक्षण में करते हैं। तीसरा दोस्तों फेनोफ्थलीन, फेनोफ्थलीन की बात करें तो यह रंगहीन होता है और यह एक कृत्रिम इंडिकेटर है, यह भी इंसानों के द्वारा बनाया गया, यह भी नेचुरल नहीं। मतलब ये तीन इंडिकेटर की बात करो तो इन तीनों में मात्र लिटमस पेपर ही एक नेचुरल इंडिकेटर होता है। अब चलिए दोस्तों कुछ और प्रश्नों को देखें, कुछ प्रमुख अम्ल के प्रयोग जो आपके एग्जामिनेशन में पूछे जाते हैं। जैसे हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl की बात अगर करें हम, तो इसका यूज बाथरूम के क्लीनर के रूप में किया जाता है, इसका यूज चमड़े पर से जो बाल होते हैं उसको साफ करने में किया जाता है, लेदर को वास साफ करने में। इसका यूज दोस्तों डाइंग और टेक्सटाइल इंडस्ट्रीज, जो डाई बनता है बाल वगैरह रंगने वाला उसमें, और टेक्सटाइल यानी कपड़े के इंडस्ट्रीज में भी इसका प्रयोग किया जाता है। दूसरे एसिड की बात करें दोस्तों तो नाइट्रिक एसिड है, जिसके बारे में आपसे क्वेश्चन पूछता है, तो यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ फर्टिलाइजर्स, जो खाद वगैरह खेत में जो डाला जाता है उसको बनाने में नाइट्रिक एसिड का यूज होता है, जिसे जैसे अमोनियम नाइट्रेट इसी से बनाया जाता है। इन द मैन्युफैक्चर ऑफ एक्सप्लोसिव, जो विस्फोटक सामग्री है, जो बम है, बारूद है, उसे बनाने में नाइट्रिक एसिड का प्रयोग किया जाता है, जैसे TNT जिसको हम लोग बोलते हैं ट्राइनाइट्रोट्यूलिन, ठीक है, TNB जिसको बोलते हैं ट्राइनाइट्रोबेंजीन, पेनिक एसिड होता है, नाइट्रोग्लिसरीन जो डायनामाइट में प्रयोग किया जाता है, यह बहुत इंपॉर्टेंट दोस्तों। क्वेश्चन पूछ देता है कि डायनामाइट में किस एसिड का प्रयोग किया जाएगा, तो नाइट्रोग्लिसरीन का प्रयोग किया जाता है। अच्छा, डायनामाइट को किसने बनाया था, फादर ऑफ डायनामाइट हम किसे कहते हैं, तो इसका जवाब आप कॉमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा, बहुत प्रसिद्ध वैज्ञानिक है, ठीक है। चलो, ये जो नाइट्रिक एसिड है दोस्तों ये आपके रेन वाटर में भी पाया जाता है, वर्षा में, जिसको अम्लीय वर्षा आप कहते हो कभी कभी, किसी की उपस्थिति कारण हो जाता है। और रेयन को बनाने में, रेयन एक फाइब्रिक है दोस्तों जिससे रस्सी वगैरह बनता है ना, तो उसको बनाने में भी जो है इसका इस्तेमाल किया जाता है। आगे चलते हैं दोस्तों, सल्फ्यूरिक एसिड जो एग्जामिनेशन में पूछता है आपसे, तो इसका उपयोग कार की बैटरी में किया जाता है, HCl बनाने में किया जाता है, और फर्टिलाइजर्स, ड्रग्स और डिटर्जेंट एंड एक्सप्लोसिव बनाने में भी इसका प्रयोग किया जाता है। इससे सबसे ज्यादा क्वेश्चन पूछा है दोस्तों, कार बैटरी में किस एसिड का प्रयोग किया जाता है, तो सल्फ्यूरिक एसिड, जिसको H2SO4 बोलते हैं, ठीक है। आगे देखते हैं दोस्तों, तो अगला पॉइंट जो एग्जाम में पूछा जाता है, बेसिसिटी ऑफ एन एसिड, एसिड की जो भास्मिकता है इसके बारे में आपसे पूछा जाता है। तो याद रखना, ये बेसिसिटी होता क्या है, तो द नंबर ऑफ रिमूवेबल हाइड्रोजन आयंस फ्रॉम एसिड कॉल्ड बेसिसिटी ऑफ एसिड, यानी हाइड्रोजन आयन के निकलने की जो नंबर्स होते हैं, कितना नंबर्स में वो निकलता है, वही इसकी बेसिसिटी कहलाती है। जैसे तीन तरह के बेसिसिटी के आधार पर एसिड बनाया गया, जैसे पहला आप देख रहे हो मोनो बेसिक एसिड, इसमें दोस्तों एक हाइड्रोजन आयन रिमूव होता है, ठीक है, जैसे HCl, HNO3, ये दोनों जो है मोनो बेसिक होता है। दूसरा देखो दोस्तों डाई बेसिक एसिड, जिसमें दो हाइड्रोजन आयन निकलते हैं, जैसे H2SO4, H2CO3,
H3PO3, ये सब आपको डाई बेसिक हो जाता है। और तीसरा है दोस्तों ट्राई बेसिक एसिड, जिसमें तीन हाइड्रोजन आयन रिमूव होते हैं, जैसे H3PO4, ये आपका ट्राई बेसिक होता है। तो आपकी एग्जाम में यह पूछता है कि मोनो बेसिक एसिड में कितने हाइड्रोजन आयन रिमूव होते हैं, तो एक। डाई बेसिक, डाई माने दो तो दो, और ट्राई बेसिक माने तीन तो तीन। ये उदाहरण जरूर याद रखना है, यहां से प्रश्न एग्जामिनेशन में बनते हैं। दोस्तों अगर एसिडिक स्ट्रेंथ देखें तो दो तीन तरह के स्ट्रेंथ से आपके क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जैसे आपको या तो ये देगा, या तो ये देगा, या फिर ये दे सकता है। तो तीनों को याद रखना है कि HF हाइड्रोफ्लोरिक अम्ल बोलते हैं, इसके बाद हाइड्रोफ्लोरिक लेस देन HCl, लेस देन HBr और लेस देन HI होता है। या तो ये आपको एसिडिक स्ट्रेंथ पूछ दे, या फिर एसिडिक अम्ल पूछ दे H2SO4, HNO3 और HCl पूछ दे। तो याद रखना है दोनों में से कोई भी एक आपके एग्जाम में पूछ देता है एसिडिक स्ट्रेंथ के रूप में, ठीक है। दोस्तों ये जो कुछ अम्लों की प्रबलता घटते क्रम में दी गई है कि सबसे ज्यादा पावरफुल फिर कौन होगा, तो सबसे ज्यादा पावर HCl है, फिर HNO3 है, फिर H2SO4 है, फिर CH3COOH है, जिसको हम लोग एसिटिक एसिड बोलते हैं। तो ये क्रम भी याद रखना, ये VVI बना लीजिए, ये प्रबलता को घटते क्रम में कई बार एग्जामिनेशन में पूछ लिया गया है, ठीक है। आगे चलते हैं दोस्तों, तो अगला है एक बहुत ही बेहतरीन टॉपिक, अम्लराज क्या होता है, एक्वारेजिया। आपने नाम तो सुना ही होगा दोस्तों, यह हाइड्रोक्लोरिक अम्ल यानी HCl और नाइट्रिक अम्ल यानी H1O3 का एक मिश्रण होता है। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि एक्वारेजिया किन दो अम्लों को मिलाने से बनता है, तो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और नाइट्रिक अम्ल याद रखना है। अच्छा, इसमें इसका अनुपात क्या होता है, HCl HNO3 का अनुपात होता है दोस्तों 3:1, ये भी याद रखना है। 3:1 के रेशियो में इसे मिलाने से यह बनता है, जिसमें 3 होता है HCl और 1 होता है HNO3 यानी नाइट्रिक एसिड। दोस्तों अम्लराज में एक खास गुण होता है कि ये सोना और प्लैटिनम को भी अपने में गला लेने की क्षमता रखता है। तो यह प्रश्न भी पूछा जाता है कि सोना या प्लैटिनम को गलाने की क्षमता किस में होती है, तो ये होता है अम्लराज में, ठीक है। दोस्तों कुछ एसिडिक रिएक्शन की कुछ सीरीज हैं जो आपकी एग्जामिनेशन में पूछा जाता है, इस सीरीज में से कोई भी दो तीन उठा करके दे दिया जाएगा और पूछेगा कि बताइए कौन सा क्रम ठीक है, ठीक है। एक चीज याद रखना दोस्तों, एसिड और मेटल जब रिएक्ट करते हैं आपस में तो हाइड्रोजन गैस को रिलीज करते हैं, ठीक है। और ये क्रम याद रखना है कि के को हम लोग पोटासियम बोलते हैं, ठीक है, के Na सोडियम CaMgLa, जिंक हो गया ZnFe हो गया, Pb माने सीसा होता है, H हाइड्रोजन Cu, Hg माने पारा, Ag माने सिल्वर, Au माने सोना। तो ये क्रम आपको याद होना चाहिए, इसमें से कोई भी दो तीन दे देगा कि सही क्रम बताओ, जैसे मान लो कि Mg दे दिया आपको, ठीक है, Mg दे दिया, Zn दे दिया, Fe दे दिया, Hg दे दिया, तो ये क्रम आपको ध्यान में रखना पड़ेगा, ठीक है, तो इसे याद रखिएगा आप। दोस्तों यहीं पर एसिड की कहानी खत्म हो जाती है। अब जो हम लोग बात करने वाले हैं इस वीडियो में, वो बात करेंगे दोस्तों हम लोग बेस के बारे में, ठीक है। किसके बारे में बात करेंगे, बेस जिसे हम भस्म बोलते हैं। दोस्तों बेस एक ऐसा यौगिक होता है जो अम्ल से प्रतिक्रिया करने के बाद लवण और जल देता है, उसे हम भस्म बोलते हैं, ठीक है। यानी सॉल्ट और वाटर अगर रिएक्ट करता है तो ये दोनों बना के देगा, उसे हम क्या बोलेंगे, भस्म बोलते हैं। भस्म का पीएच मान दोस्तों 7 से अधिक होता है, ये ध्यान में रखना, VVI बना लेना, 7 से अधिक होता है। वहीं अगर हम एसिड की बात कर रहे थे तो 7 से कम होता है। दोस्तों वैसा भस्म जो जल में घुल जाता है वही क्षार कहलाता है, और क्षार को इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं एल्केली। क्या बोलते हैं दोस्तों, एल्केली बोलते हैं। तो क्षार क्या कहलाता है, क्षार क्या होता है, तो एक तरह का भस्म ही होता है, एक तरह का बेस ही होता है। दोस्तों भस्म के बारे में बहुत सारे वैज्ञानिकों की अलग अलग सिद्धांत हैं, जिसमें आर्हेनियस ने क्या बताया था कि भस्म वह पदार्थ है जो जल में घुलकर हाइड्रोक्साइड या हाइड्रोक्सील आयन देता है, जिसे हम OH- से डिनोट करते हैं। किसे डिनोट करते हैं दोस्तों, OH- से डिनोट करते हैं, तो इसे हम बोलेंगे भस्म अकॉर्डिंग टू आर्हेनियस। जैसे उदाहरण में देख लो कि NaOH को अगर जल के साथ रिएक्ट करवाते हो तो वो Na और OH- को देता है, यानी देखो यहाँ पर OH- जो आ रहा है यही होता है हाइड्रोक्साइड आयन या हाइड्रोक्सील आयन, इसको ये रिएक्शन में रिलीज करता है। तो ये दो उदाहरण आप याद रखना, कभी कभी फील करने के लिए भी दे देता है ना, तो ये इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखेंगे। चलते हैं दोस्तों दूसरे वैज्ञानिक के पास, ब्रॉन्स्टेन एंड लॉरी ने क्या बताया था कि भस्म वह पदार्थ है जो किसी दूसरे पदार्थ से प्रोटोन ग्रहण करने की क्षमता रखता है, ठीक है। और तीसरा इन्होंने बताया, लेविस ने बताया इलेक्ट्रॉनिक सिद्धांत के आधार पर कि भस्म वह यौगिक है जिसमें इलेक्ट्रॉन की एक निर्जन जोड़ी प्रदान करने की प्रवृत्ति होती है, यानी किसी को देने की प्रवृत्ति होती है, ठीक है। अगर हम भस्म के प्रकार की बात करें दोस्तों, तो टाइप्स ऑफ बेस देखिए, अगर तो एक होता है जो जल में विलय होता है,
वैसा भस्म जो जल में विलय हो क्षार कहलाता है, ठीक है। और यह नीले लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है और स्वाद में कैसा होता है दोस्तों, कड़वा होता है, याद रखना है, स्वाद में कड़वा होता है ये और लाल को नीला कर देता है, याद रखना। मैंने भी पिछले स्लाइड में आपको बताया था कि जो बेस है ये क्या करता है, तो लाल को नीला में बदल देता है, ठीक है, रेड को ब्लू कर देता है और एसिड ब्लू को रेड कर देता है, एकदम दिमाग में बैठा लेना। जैसे एग्जांपल देख लेना है, जो जल में विलय वाले भस्म है, पोटासियम हाइड्रोक्साइड है, सोडियम हाइड्रोक्साइड है, ये सब जो है वो जल में विलय होने वाला है, ठीक है। दूसरा होता है दोस्तों जल में अविलय, यहाँ पर लिख देना, ठीक है, अविलय, जल में अविलय भस्म होता है वैसा भस्म जो अम्ल के साथ प्रक्रिया करके लवण और जल बनाते तो हैं लेकिन क्षार के अन्य गुणों को प्रदर्शित नहीं करते, उसको अविलय भस्म बोलते हैं, ठीक है, जो जल में ना घुलता, जैसे ZNO हो गया, CuOH twice हो गया, FeO हो गया, Fe2O3 हो गया, ये सब दोस्तों जल में अविलय भस्म है। लवण और जल तो देते हैं ये अम्ल के साथ रिएक्ट करने पर लेकिन क्षार के गुणों को प्रदर्शित नहीं करते हैं। चलते हैं दोस्तों आगे, भस्म के गुण जो आपके एग्जाम में पूछा जाता है, अगर प्रॉपर्टीज ऑफ बेस देखें हम तो ये जो क्षार कह लो या भस्म कह लो दोनों एक ही होता है, इक्विवेलेंट होता है कभी कभी। अब देखो क्षार जो है स्वाद में तीखा या कड़वा होता है, छूने में साबुन जैसा चिकना होता है, विद्युत का सुचालक होता है, अम्ल के साथ प्रक्रिया करके जल और लवण देता है, लाल लिटमस को नीला कर देता है, मिथाइल ऑरेंज को पीला कर देता है, क्षार कार्बनिक पदार्थ को नष्ट करता है और फेनफ्थलीन को गुलाबी कर देता है। यानी इतने सारे फैक्ट आप भस्म के गुण में याद रखना है आपको, ठीक है। दोस्तों एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो नोट में है कि सभी क्षार भस्म होते हैं लेकिन सभी भस्म क्षार नहीं होते, क्योंकि क्षार वही होगा जो जल में विलय होगा, ठीक है। आपने सेलोलिज्म तो पढ़ा ही होगा, कुछ कुत्ते घोड़े हैं, कुछ हाथी गधे हैं, वही वाली बात है, सारे क्षार भस्म होते हैं लेकिन सारे भस्म क्षार नहीं होते हैं, तो इसे याद रखना है। अब चलते हैं आगे, जो इंडिकेटर प्रॉपर्टीज है दोस्तों, जहां से क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं कि आखिर भस्म के इंडिकेटर प्रॉपर्टीज कैसे काम करते हैं, तो जैसे हमने पिछली स्लाइड में देखा था एसिड के बारे में, उसी तरह से भस्म के बारे में देख लें। तो दोस्तों ये लिटमस पेपर जो है यहां पर रेड होना चाहिए था, सॉरी, रेड लिटमस पेपर क्या है दोस्तों ये, तो रेड लिटमस पेपर को क्या कर देता है, ये ब्लू कर देता है, और मिथाइल ऑरेंज को ये ऑरेंज से पीला बना देता है, क्या कर देता है, पीला कर देता है। वही अगर हम बात करें यहां पर दोस्तों, आप लोग रेड कर लेना, टाइपिंग मिस्टेक है यहां पर, रेड, ठीक है। फिनोफ्थिलीन को ये क्या करता है, तो फिनोफ्थिलीन को ये कलरलेस जो था, जैसे कि मैंने आपको बताया था कि फिनोफ्थिलीन कलरलेस होता है, इसको ये पिंक बना देता है, क्या बना देता है, पिंक बना देता है। तो इस तरह से आपको ये जो इंडिकेटर प्रॉपर्टीज हैं इसको ध्यान में रख लेना, ये एग्जामिनेशन में 100% पूछा जाता है, ठीक है। अब चलते हैं आगे, कुछ और टॉपिक देखते हैं। अच्छा, क्षार और भस्म के उपयोग देखें हम, क्षार और भस्म के प्रयोग देखें तो सबसे पहले कैल्शियम हाइड्रोक्साइड जिसको CaOH twice कहते हैं, ये घरों में चूना पोतने में, विरंजक चूर्ण बनाने में जिसको ब्लीचिंग पाउडर आप कहते हो, जल को मृदु बनाने में, मीठा बनाने में, चमड़े के ऊपर से बाल को साफ करने में, कारखानों वगैरह में प्रयोग होता है इसका, मिट्टी की अम्लीयता को दूर करने में, एसिड के जलन पर मरहम पट्टी करने में, अगर एसिड से हाथ पर जल जाए तो उस पर जो मरहम पट्टी होता है उसमें कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का किया जाता है, ये याद रखना है। अब चलते हैं दूसरे को देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है दोस्तों, एकदम ध्यान में रखेंगे। साबुन बनाने में इसका प्रयोग होता है, पेट्रोलियम के शुद्धिकरण में, कपड़ा और कागज बनाने में, दवा बनाने में, घरों और कारखानों को साफ करने में। तीसरे बेस को अगर हम देखें तो पोटासियम हाइड्रोक्साइड है दोस्तों, इसका प्रयोग प्रयोगशाला में अतिक्रमक के रूप में किया जाता है, मुलायम साबुन बनाने में, और इसे कास्टिक पोटास भी कहा जाता है, याद रखेंगे आप। चलते हैं चौथे वाले में दोस्तों, तो ये है मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड MgOH twice, दोस्तों ये पेट की जो अम्लीयता है उसको दूर करने में, ठीक है, पेट की अम्लीयता दूर करने में, जो अम्लीयता होता है ना एसिडिक वाला पार्ट जो होता है, अम्लीयता को दूर करने में ये इस्तेमाल किया जाता है, पेट की अम्लीयता, एसिडिक पॉइजन के एंटीडोट के रूप में, अगर आप एसिडिक पॉइजनिंग कुछ होता है तो एंटीडोट के रूप में जो है वो हम मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड का उपयोग करते हैं। चीनी उद्योग में मोलासिस से चीनी तैयार करने में इसका उपयोग किया जाता है। और लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया भी इसे कहते हैं, क्या कहते हैं इसको, मिल्क ऑफ मैग्नेशिया भी इसे कहा जाता है, ठीक है। मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का जो पीएच मान होता है दोस्तों, याद रखना 10.5 यानी 10.5 होता है, ये मैक्सिमम एक तरह से कह सकते हो, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया का मान कितना होता है, पीएच वैल्यू 10.5 होता है दोस्तों। अब चलते हैं साल्ट पढ़ लेते हैं थोड़ा सा, साल्ट जिसको आप लवण बोलते हो, तो लवण भस्म, लव अम्ल और भस्म की प्रतिक्रिया के फलस्वरूप जो पदार्थ बनता है दोस्तों, उसी को हम क्या बोलते हैं, लवण यानी
साल्ट बोलते हैं। दोस्तों साल्ट और लवण जो बनता है ना, इसका जो रिएक्शन होता है उसको हम लोग बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, ठीक है। और न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन इज व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट फ्रॉम वाटर एंड साल्ट एंड इन्वॉल्व द कॉम्बिनेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन्स एंड हाइड्रोक्सिल आयन टू जनरेट वाटर, ठीक है। तो जब भी आप रिएक्ट करवाते हो, जैसे एग्जाम्पल्स में देख लो कि NaOH ये क्या है, बेस है, HCl क्या है, एसिड है, इन दोनों को रिएक्ट करवाने पर बनता है NaCl जो नमक होता है जिसको साल्ट बोलते हैं, और ये होता है H2O जिसको वाटर बोलते हैं। तो इस तरह की जो रिएक्शन होती है दोस्तों उसको बोलते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। आपके एग्जाम में कभी कभी ये भी दे देता है कि अगर कोई एसिड है और किसी बेस के साथ ये रिएक्ट करता है तो ये क्या देता है, तो इसमें डॉट 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 दे देगा और प्लस में H2O देगा। तो यहाँ पर आप वाटर लिखना है, क्या लिखना है, ये साल्ट लिखना है, क्या लिखना है यहाँ पर दोस्तों, साल्ट लिखना है। तो कभी कभी ये भी देता है कि एसिड और बेस के रिएक्ट करने पर साल्ट और वाटर बनते हैं, तो याद रखना। चलिए दोस्तों आगे बढ़ते हैं, कुछ और महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देखते हैं। लवण के उपयोग, दोस्तों लवण के उपयोग में सबसे पहले सोडियम क्लोराइड की बात करते हैं जिसको हम NaCl बोलते हैं, तो इसे साधारण नमक भी कहा जाता है और दैनिक भोजन में हम इसका प्रयोग करते हैं। आचार के जो आचार आप खाते हैं उसके परिरक्षण में इसका इस्तेमाल किया जाता है। सोडियम बाइकार्बोनेट, एकदम VVI बना लो, बहुत बार एग्जामिनेशन में आया हुआ है। सोडियम बाइकार्बोनेट को खाने वाला सोडा या बेकिंग सोडा भी इसको कहते हैं। क्या बोलते हैं दोस्तों इसको, बेकिंग सोडा। बहुत बार एग्जाम में आया हुआ है कि बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है, तो सोडियम बाइकार्बोनेट। देखो दोस्तों बाई लग गया तो बेकिंग, बाई से बेकिंग बना लेना, ठीक है। क्या भी पेट की अम्लीयता को दूर करता है और अग्निशामक यंत्रों में इस्तेमाल किया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगला है सोडियम कार्बोनेट। दोस्तों सोडियम बाइकार्बोनेट और सोडियम कार्बोनेट में एकदम कंफ्यूजन नहीं रखना है। कभी कभी फॉर्मूला पूछ दिया जाता है, सोडियम बाइकार्बोनेट का फॉर्मूला होता है Na2CO3.10H2O, ठीक है, 10H2O याद रखना। इसे धोवन सोडा या वॉशिंग सोडा भी कहा जाता है। इसका इस्तेमाल कपड़े धोने में किए जाते हैं और कांच बनाने में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। दोस्तों इसके फॉर्मूले को पकड़ने का एक आसान सा तरीका बता दूं आपको, जैसे ही सोडियम कार्बोनेट का नाम आएगा तो आप समझ लेना कि वो धोवन सोडा है, और कपड़ा धोने में बहुत पानी की जरूरत होती है तो 10 बाल्टी पानी याद रखना, तो 10H2O आपको ये बहुत मदद करता है एग्जामिनेशन में। बस ऑप्शन देखना, 10H2 देखना, टिक करके आ जाना, ठीक है। चलिए अगला देखते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH। दोस्तों इसे कास्टिक सोडा भी कहा जाता है और इसका प्रयोग अपमार्जक का चूर्ण बनाने में किया जाता है। तो कास्टिक सोडा किसे कहा जाता है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। और अगला है पोटासियम नाइट्रेट जिसे हम KNO3 कहते हैं। दोस्तों इसका प्रयोग बारूद या गन पाउडर बनाने में भी किया जाता है। जो बारूद होते हैं, गन पाउडर होते हैं, उसको बनाने में पोटासियम नाइट्रेट का इस्तेमाल किया जाता है। चलिए दोस्तों इसी के साथ एसिड बेस एंड साल्ट की इस वीडियो को यहीं पर समाप्त करते हैं। जो पीएच वैल्यू वाली बात है वो पीएच वैल्यू मैंने आपको पीछे बता दिया है, उसको ध्यान में रखना है। अच्छा, कुछ पीएच वैल्यू जो आपके एग्जाम में पूछता है, जैसे समुद्री जल का पीएच वैल्यू अगर आपसे पूछे तो याद रखना है 8.4 होता है। किसका, समुद्री जल का पीएच मान अगर पूछे आपको, समुद्री वाटर, सी वाटर का पूछे तो 8.4 याद रखना, ठीक है। अगर आपसे ब्लड का पूछे, रक्त का पूछे तो 7.4 पीएच मान होता है। अगर आपसे दूध का पूछे, मिल्क का पूछे तो 6.4 याद रखना है आपको, ठीक है। अगर आपका लार का पूछे, लार का, तो इसका भी 6.4, कहीं कहीं 5 भी देता है, तो 6.4 या 5 याद रखना है, ठीक है। शराब का पूछे, अगर वाइन का पूछे आपका, तो 2.8 याद रखना है। इस तरह के कुछ पीएच मान आपको याद हो जाना चाहिए जो आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाता है। ज्यादातर ब्लड और लार और दूध, ये तीन आपके एग्जाम में काफी पूछे जाते हैं। दोस्तों अगर हम पीएच मान की बात करें तो वर्षा के जल का पीएच मान जो होता है वो 5.6 से कम होता है, तो उसे हम अम्लीय वर्षा बोलते हैं। अगर आपके एग्जाम में पूछ लिया जाए कि अम्लीय वर्षा यानी जो एसिडिक रेन होता है ये कितने पीएच मान से कम वाले होते हैं, तो अगर उसका पीएच मान 5.6 से कम होगा, दोस्तों कितना होगा, 5.6 से कम होगा, तभी वो बारिश एसिडिक रेन कहलाता है, अम्लीय वर्षा कहलाता है। तो ये याद रखना है आपको, ठीक है। दोस्तों हमारा जो शरीर है उसका पीएच मान 7 से लेकर 7.8 के बीच का होता है, ठीक है। जीवित प्राणी जो होते हैं उसमें संकीर्ण पीएच मान प्रास में ही जीवित रहते हैं, यानी अगर 7 से 7.8 के बीच में ही इंसान के बॉडी का पीएच मान होता है, ये याद रखना, ठीक है। चल आगे अगर हम कुछ बात और आपको बता दें तो याद रखना, अगर मुंह के पीएच मान जो है, मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाता है तो दांतों का क्षय प्रारंभ हो जाता है, ठीक है। 5.5 से मुंह का पीएच मान, जो मुंह है हमारे पास, मुंह का पीएच मान अगर 5.5 से कम हो जाए दोस्तों, तो दांत का जो है, दांत का क्षय, क्षय का मतलब होता है झरना,
दांतों का क्षय जो है वो शुरू हो जाता है, ये याद रखेंगे आप दोस्तों। इसी के साथ ये जो वीडियो आपने अभी तक देखा एसिड बेस एंड साल्ट का, ये पूरी कंप्लीट कॉन्सेप्ट वाली वीडियो थी और इससे बाहर मेरे ख्याल से प्रश्न आपके एग्जाम में नहीं पूछे जाएंगे। तो इस वीडियो को अगर एक बार में याद ना हो तो एक बार और रिवाइज कर लीजिए, अपना नोट्स जरूर बनाइए दोस्तों और उसे बार बार रिपीट करते रहिए, क्योंकि रिविजन ही इन सब चीजों को याद करने का एक मूल मंत्र है। तो चलिए दोस्तों, अपना ख्याल रखें, ध्यान रखें, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के बीच इसे जरूर फैलाएं। चलिए दोस्तों, मिलते हैं एक और बेहतरीन टॉपिक के साथ अगली वीडियो में, तब तक अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें, थैंक यू।